ही कहा है किसी ने कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जय हिंद टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज़ लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। तो आज हम पढ़ेंगे एक वेरी न्यू टॉपिक दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। आजकल ये हर कॉम्पिटिशन में एड होने लग गए हैं, एक नया टॉपिक है और इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले कंडीशन एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट को हम जज करते हैं कि वो कितनी सच है। हमेशा अगर वो सच है, 100% सच उसका आंसर आ रहा है स्टेटमेंट का, तो हम ऑलवेज के साथ जाते हैं। अगर उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है तो हम नेवर के साथ जाएंगे। और अगर अक्सर वो काम में क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, तो हम ओपन के साथ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि माय फ्रेंड इज ऑलवेज तो नहीं कहेंगे, माय फ्रेंड ओपनली रनिंग ए लॉन्ग रेस। तो ओपनली का मतलब ये होता है कि अक्सर क्या करता है, एक लंबी रेस दौड़ता है। तो हो सकता है कभी कभार वो लंबी रेस ना भी दौड़ता हो, छोटी रेस दौड़ता हो, तो ऑलवेज तो नहीं लगा सकते ना वहां पे। तो इसका मतलब होता है अक्सर, ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, आमतौर पर, हर बार तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अक्सर का मतलब होता है कभी कभार ये नहीं होता। और समटाइम्स का मतलब होता है कि कभी कभार ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कभी कभार, कभी कभार। तो आप इसको स्टेटमेंट को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग आंसर को जज करें और फिर इसका आंसर दें। तो ये स्टेटमेंट है, दैट इज ए बॉय, ये देखिए ये कह रहा है हमें इसमें स्टेटमेंट में कि ए बॉय इज सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ ए कार व्हेन द ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स मूविंग द कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द बॉय एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड फोर्स। कि हमारा एक बच्चा है, कोई बॉय है जो सेकंड सीट पे बैठा है, मतलब बैक सीट पे ऑफ ए कार, ड्राइवर ने सडनली कार को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो बॉय था उसको कौन सा फोर्स लगा, बैकवर्ड फोर्स। तो ये हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब किसी भी रेस्ट पोजिशन को आप, जो गाड़ी के अंदर रेस्ट पोजीशन बैठी है, जो बॉय स्टार्टिंग में बैठा हुआ है वो रेस्ट पोजीशन पे है, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया उसने, तो हमारा जो बॉय था वो हमेशा किस में जाएगा, बैकवर्ड फोर्स में। तो हमेशा उसको बैकवर्ड फोर्स लगेगा, ये कभी कभार नहीं, हमेशा लगेगा। तो हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे हम, ऑलवेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। That is the, a train always has. अब ये देखिए ट्रेन है हमारे पास, उसके अंदर ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या चीज अवेलेबल होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे रेल, अब रेल तो ट्रेन को सिमिलर हो गया, यहाँ पे रेल तो नहीं आ सकता। ए ट्रेन ऑलवेज हैज रेल, नो, ट्रेन के अंदर रेल का पार्ट भी आता रहता है, पैसेंजर भी उस का पार्ट होता है, तो यहाँ पे रेल को इंक्लूड करना गलत है। ड्राइवर जरूरी नहीं कि हर वक्त ट्रेन के अंदर क्या हो, ड्राइवर अवेलेबल हो, तो ड्राइवर भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। गार्ड, क्या गार्ड आ सकता है इसके अंदर, नो, गार्ड इज आल्सो नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम। बात अगर इंजन की करें, क्योंकि बिना इंजन के ट्रेन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, अगर ट्रेन से आप इंजन हटा दोगे तो क्या बन जाते हैं, डब्बे बन जाते हैं। तो ए ट्रेन ऑलवेज हैज इंजन बिकॉज विदाउट इंजन इट कांट बी मेक ट्रेन, सो राइट आंसर इज इंजन। यहाँ पे अगर ऑलवेज लगा दिया मीन्स कंपल्सरी फॉर एवरी टाइम, हमेशा, तो उसके साथ क्या पार्ट लगता है, दैट इज इंजन। तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे, इंजन के साथ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन फाउंड इन ब्रेवरी, विच वन फाउंड इन ब्रेवरी, ब्रेवरी होती है बहादुरता, क्या होती है, बहादुरता। और बहादुरता में ऑलवेज तो नहीं लगा इसने, बट क्या पाया जाता है, तो बहादुरता के अंदर हमें इसका कुछ सिनोनिम्स टाइप का ढूंढना पड़ेगा, दैट इज एक्सपीरियंस, नो, बहादुरता के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। पावर, क्या पावर की जरूरत होती है, या पावर की जरूरत तो होती है, लेकिन पावर से, पावर से बहादुर नहीं बन सकता। पावर को अगर कोई किसी ने बॉडी बॉडी बना रखी है जिम करके, तो क्या वो बहादुर है, जरूरी नहीं है कि वो बहादुर हो। तो पावर से, पावर यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे करेज, करेज का मतलब साहस, और साहस से क्या आते हैं, बहादुर, साहस से ही बहादुर व्यक्ति बनता है कोई भी, तो यहाँ पे साहस ये सही जाएगा। तो हम यहाँ पे करेज के साथ जाएंगे, नॉलेज होना जरूरी नहीं है ब्रेवरी के लिए, सो राइट आंसर इज करेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए सॉन्ग ऑलवेज हैज, अब सॉन्ग के अंदर देखिए क्या, अब इसमें ऑलवेज लगा दिया तो हर वक्त क्या प्रेजेंट होता है सॉन्ग के अंदर, चोरस, ये तो ये चोरस होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यहाँ पे थिम्बल भी नहीं आ सकता, और म्यूजिशियन होता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह देते हैं, जिसने इसको कंपोज किया है। तो यहाँ पे ऑलवेज कह रहा है ए सॉन्ग ऑलवेज हैज, तो
ऑलवेज उसके अंदर म्यूजिशियन होना जरूरी नहीं है, बट बिना शब्दों के कोई भी गाना नहीं गाया जा सकता और कोई भी गाना नहीं बनता है। तो वर्ड के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, सो द राइट आंसर इज वर्ड। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को करने में एक नए मतलब हम ट्रिक सीख रहे हैं कि किस टाइप से सोल्व करते हैं, और एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं आजकल, तो काफी बार तो बच्चों को पता ही नहीं होता इनको कैसे सोल्व करें क्योंकि नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें एक नया क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या है, दैट यस्टरडे आई सा एंड आई स्टू, इस टाइप के क्वेश्चन कह जाते हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किया मैंने कि यस्टरडे आई सा एंड आई स्क्यूब विच हैड ऑलरेडी मेल्टेड ड्यू टू हीट ऑफ ए नियर बाई फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि ये कल जब मैंने एक आइस क्यूब को देखा तो वो ऑलरेडी पिघल चुकी थी। किस वजह से पिघली थी? क्योंकि उसके आसपास जो हीट थी उस हीट के कारण वो कल ऑलरेडी पिघल चुकी थी जब मैंने उस आइस क्यूब को देखा। तो क्या हम इसमें ऑलवेज के साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऑफन के साथ नहीं जा सकते, समटाइम्स के साथ नहीं जा सकते, नेवर के साथ जाएंगे। क्योंकि नेवर के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि जब हमने कल उस आइस क्यूब को देखा, आइस क्यूब को आपने देख कैसे लिया जब ऑलरेडी वो पिघल चुकी है, तो वो मेल्ट हो चुकी है। It had already melted लिखा हुआ है इसमें। जब वो already melt हो चुकी है, तो आप ice cube को कैसे देख सकते हो? So when it has already melted, then it is not a ice cube. That is in the not in the form of a ice cube. So the right answer is never. यहाँ हम never के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने ice cube को देखा और वो पिघल चुकी हो, तो फिर आपने ice cube को कैसे देख लिया? So ये यहाँ पे never के साथ जाएंगे। Next question है, what is found necessarily in milk? What is found necessarily in milk, कि milk के अंदर necessarily क्या पाया जाता है? तो देखो, क्या हम cream के साथ जा सकते हैं? नहीं, milk के अंदर हमेशा cream हो ऐसा जरूरी नहीं है। curd, curd देखो, milk के अंदर curd नहीं होता, milk से curd बनाया जाता है, तो यहाँ पे curd के साथ नहीं जा सकते। water, क्या milk के अंदर आप सोचेंगे कि water के साथ जा सकते हैं? सर कैसे जा सकते हैं? water के अंदर milk present, देखो अगर milk है उसके अंदर हम water डाल देते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट हो गया, लेकिन हर वक्त तो नहीं होता ऐसा। अब आप सोचेंगे कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अगर आप वाटर को प्रेजेंट करते हैं मिल्क में ऑलवेज टाइम में, तो फिर आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिल्क क्या है? मिल्क होता है प्योर मिल्क, उसके अंदर वाटर हम एड कर देते हैं, तो एक अलग चीज होती है, बट मिल्क का मतलब प्योर मिल्क होता है। व्हाइटनेस, यस, अगर देखो कोई भी मिल्क हो, किसी भी चीज का दूध हो, अगर उसको व्हाइटनेस अगर उसके अंदर से निकाल दोगे आप, तो क्या हम उसको मिल्क बोलेंगे? नहीं। तो व्हाइटनेस प्रेजेंट होनी जरूरी है, तो हम यहाँ व्हाइटनेस के साथ जाएंगे। मिल्क ऑलवेज हैज व्हाइटनेस, मींस नेसेसिटी है उसके अंदर की व्हाइटनेस तो प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बल्ब ऑलवेज हैज, अब ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन डाल दिया, बल्ब होता है, बल्ब के अंदर हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज लगा देंगे। बल्ब के अंदर देखो ग्लास भी होता है, करंट भी होता है, लाइट भी होती है, फिलामेंट भी होता है। अब हम किसको टिक करें? आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर राइट करना। तो इसका देखो बल्ब का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें फिलामेंट। क्या होगा? फिलामेंट। फिलामेंट इसलिए होगा क्योंकि बल्ब के अंदर ग्लास होना जरूरी नहीं है। आजकल बहुत सारे एलईडीज ऐसी आ रही है जिसके अंदर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, बाहर से ग्लास होता ही नहीं है, तो ग्लास हमेशा होना गलत है। करंट होना, अब लाइट नहीं आ रही तो करंट कहां से आएगा, और करंट नहीं आएगा तो लाइट होना उसमें जरूरी नहीं है, बट फिलामेंट तो होना जरूरी है। फिलामेंट ऑलवेज प्रेजेंट होता है, फिलामेंट वो पार्ट होता है जिसके अंदर लाइट क्या करती है, हमारी ब्राइट करती है। राइट आंसर इज फिलामेंट। ए मिरर ऑलवेज हैज, ये कह रहा है मिरर ऑलवेज हैज, तो अब मिरर ऑलवेज हैज क्या आएगा इसके अंदर? अब देखो मिरर दो टाइप के होते हैं, मिरर जिसके अगर पीछे पेंट हो तो वो मिरर बन जाता है, अगर पीछे से पेंट हटा दो एक ट्रांसपेरेंट मिरर हो गया, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट अगर है तो वो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लास। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, ओपेक का मतलब अगर पीछे से आपने पेंट कर दिया तो क्या बन जाता है? मिरर, जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, उसके जो भी इमेज बनेगी तभी दिखाई देती है कि वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम मिरर के साथ रिफ्लेक्ट से जाएंगे क्योंकि इसने ऑलवेज लगा दिया, तो मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स, सो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आएगा। रिफ्लेक्ट क्या होता है? जब कोई भी लाइट हमारी क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए किसी भी मीडियम को, तो उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट के साथ नहीं जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे? रिफ्लेक्ट के साथ जाएंगे। ये ग्लास है मान लो हमारा, पीछे से पेंटेड है, तो लाइट यहाँ टकरा के वापिस चली जाती है, इस टाइप प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज द रिफ्लेक्शन, द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज लोटस। कहता है ए लोटस फ्लावर ऑलवेज हैज, अब आप बताइए ए लोटस फ्लावर ऑलवेज हैज क्या आएगा? मड, रूट, पेटल्स, वाटर। देखो ऑलवेज लगा दिया, अगर ऑलवेज कहीं पे भी कंडीशन में लगा दिया तो क्या लोटस के साथ हमेशा मड होगा? ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि अगर उसके अंदर मड है ना तो वो लोटस है। अगर आपने उसको वहां से हटा दिया, तोड़ लिया, तो क्या वो लोटस नहीं है?
सोचिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। सो यहाँ पे हम आपको पता है किसके साथ जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर राइट करिए, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ए विडो कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ ऑल्दो ए मैन कैन नॉट मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डेड वाइफ। ये कह रहा है इंडिया में क्या होता है कि जो एक विडो होती है कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ, कि जो विडो होती है अगर किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड के भाई से, मींस द ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, ही कैन मैरी विद हिम, तो वो उसके साथ शादी कर सकती है। लेकिन लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, अगर लड़के हस्बैंड की वाइफ एक्सपायर हो जाए तो हस्बैंड उस अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं करता। तो ऐसा आपको बताना, क्या ऐसा ऑलवेज होता है, नेवर होता है, ऑफन होता है, समटाइम्स होता है? तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, होता रहता है, ऑलवेज मतलब हमेशा ही होता है, और नेवर मतलब कभी नहीं होता, और समटाइम्स मतलब कभी कभार हो जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, जाती है देखो कि अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो वो हस्बैंड की भाई से शादी करती है, इंडिया का ये कल्चर बताता है हमें। लेकिन अगर वाइफ एक्सपायर हो जाए तो हस्बैंड को कोई राइट नहीं है कि वो उसकी किससे शादी करे, वाइफ की सिस्टर से शादी करे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ कभी कभार ऐसा होता है हमारे इंडिया में, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। सो हम समटाइम्स के साथ जाएंगे यहाँ पे। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजीज ऑलवेज हैज, अब देखो कोई भी डिजीज जब बनती है, कोई भी बीमारी बनती है, तो उसमें हमेशा क्या मिलता है, क्या उसमें क्योर होता है? नो। क्या उसमें जर्म्स होते हैं? जरूरी नहीं है वो जर्म्स की बीमारी हो, सकता है वो वायरस का बीमारी हो, उसकी वायरस के कारण वो बनी हो। क्या वो पेशेंट होगा? नो, पेशेंट के अंदर वो बीमारी होगी, जरूरी नहीं है पेशेंट बन जाएगा, पेशेंट तो बाद में डिक्लेयर होता है जब उसके टेस्ट वेस्ट आ जाते हैं। तो डिजीज, ये हम बीमारी की बात हो रही, बीमारी में पेशेंट थोड़ी ना होता है। कॉज, कॉज मतलब कारण, कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न हुई है जरूर उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कॉज। तो ऑलवेज लगा दे तो हम किसके साथ जाएंगे, कॉज के साथ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, ए मैनेजमेंट, ए मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, अब ये देखिए, द मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स रेगुलेशन, काउंसिल, काउंसिल होता है परिषद, और एक्सोर्टेशन होता है प्रबंधन, एक्सोर्टेशन का मतलब होता है प्रबंधन, एंड कोरिजन का मतलब होता है, कोरिजन का मतलब होता है यहाँ पे दबाव। तो मैनेजमेंट जो होती है, कोई भी मैनेजमेंट हो, उसके अंदर ऑलवेज लगा दिया कि ऑलवेज क्या हो सकता है, क्या उसके अंदर परिषद काउंसिल होना जरूरी है? नो। क्या उसके अंदर एक्सोर्टेशन होना जरूरी है? नो। क्या दबाव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, जब मैनेजमेंट होती है क्या उसमें कोई दबाव होता है? नहीं, हर वक्त दबाव नहीं होता। लेकिन अगर हम रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन हर टाइम मिलेगा आपको, रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे विनियम, विनियम मतलब कोई भी मैनेजमेंट है उसके अपने कोई ना कोई क्या होते हैं, नियम होते हैं, उन नियम को ही हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। सो रेगुलेशन के साथ जाएंगे, विनियम। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is found necessary? What is found necessary in a race? अब ये देखिए रेस में और रनिंग में क्या फर्क होता है? अब इसने लगा दिया found necessarily. Necessarily का मतलब compulsory हो गया. क्या जज होता है? No, जरूरी नहीं है। आप रेस लगा रहे हो तो वहां पे जज को आप बैठाओगे और वो डिक्लेयर करेगा कि who is the winner. जज होना हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर का मतलब है दर्शक। क्या दर्शक होने जरूरी है? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप रेस लगा रहे हो वहां पे दर्शक बैठे हो, बिना दर्शकों की भी रेस हो सकती है। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब रेस में पार्टिसिपेट करने वाले आपके साथ और भी लोग हैं, आप अकेले नहीं दौड़ रहे, अगर आप अकेले दौड़ रहे तो फिर वो रनिंग हो जाएगी, वो रेस नहीं होती। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर के साथ हम जाएंगे, प्राइज मिले या ना मिले दैट डजंट मैटर, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी रेस यू विल वन द प्राइज। तो यहाँ पे प्राइज के साथ भी हम नहीं जा सकते, कॉम्पिटिटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following always found in factories? अब आप बताइए factories के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है? अब factory के अंदर आप कहोगे सर चिमनी मिलता है, जरूरी नहीं है चिमनी हो factory के अंदर, चिमनी हमेशा चिमनी हो, हर factory के अंदर चिमनी हो, नो। Electricity, पहले के टाइम में, जो बहुत पहले के टाइम में factories बनी थी, क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी? बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम होता था, बहुत सी फैक्ट्रीज होती है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना दिन में भी काम कर सकते हैं हम। वर्कर्स, वर्कर तो होने जरूरी है। देखो अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी भी बनाते हैं कंप्लीटली, तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई ना कोई तो क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उन्हीं को हम वर्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वर्कर के साथ जाएंगे। सो द राइट आंसर इज वर्कर। सेलर होना हर वक्त जरूरी नहीं है, ऑलवेज लगा दिया ना इसने ऑलवेज, तो यहाँ पे वर्कर के साथ जाएंगे। ए हिल ऑलवेज हैज, अब ये हिल मतलब किसी पहाड़ी को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस पहाड़ी के अंदर हमेशा पेड़ होने जरूरी है?
जरूरी नहीं कि उस पर आपको ट्रीज हमेशा मिलेंगे, ऑलवेज के साथ हम इसमें नहीं कर सकते। एनिमल मिल सकते हैं, एनिमल भी नहीं मिल सकते। क्या वहां पे पानी मिलेगा? पानी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, रेयरली चांस होता है कि मिल भी जाए थोड़ा बहुत। लेकिन हाइट, कोई भी अगर हील है तो पर्टिकुलरली उसकी हाइट जरूर होगी कुछ ना कुछ। सो द राइट आंसर इज हाइट, ए हील ऑलवेज हैज हाइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इज सेंटीमेंटल, इज ऑलवेज इज सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल के केस में हम, सेंटीमेंटल का मतलब होता है भाव, तो भाव के अंदर हमेशा ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज क्या आपको इंक्लूड मिलेगा? इमोशंस। हमें पता है भाव, बिना इमोशंस के कोई भी भाव को प्रकट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रूटली इनसाइट नेचुरलिटी एंड इमोशंस। देखो इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि में अंदर की आत्मा से देखना। क्रूटली का मतलब होता है क्रूरता। तो सेंटिमेंटल मतलब भाव के अंदर क्रूरता होनी जरूरी नहीं है, अंतर्दृष्टि अंदर की दृष्टि होना जरूरी नहीं है, नेचुरलिटी होता है सामान्यता, ये भी नहीं है, इमोशंस होने जरूरी है। अगर विदाउट इमोशंस यू कांट इमेजिन सेंटिमेंटल पर्सन। सो राइट आंसर इज इमोशन। सो ये हमने 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर इनको आपने एक बार गो थ्रू नहीं किया तो एग्जाम में ये जरूर आपको परेशान करेंगे। ये दिखते इजी है लेकिन काफी बार हमें परेशान कर देते हैं। So, एक बार प्रैक्टिस इनकी और लगाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।